हेलो फूडीज, तो देखिए मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए डोसा बैटर की रेसिपी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि डोसा ना हमारे क्रंची नहीं बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो देखिए आप इसका, वाह, उसकी जालियाँ आप देख रहे हो ना, क्या बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है इसका। तो यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ, और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आप देखिए कितना क्रिस्पी है, वाओ, कितना क्रिस्पी है ना। आपने भी सुनी ना कितना क्रिस्पी है ये। तो ये जो डोसा की बैटर की रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए देखिए, तो आपके पास अगर मेज़रमेंट कप हो, आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो। मैं ग्लास से कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास होता नहीं है, आप कोई भी ग्लास कटोरी ले लीजिए। तो देखिए मैंने 2 ग्लास यहाँ पर चावल लिए थे, तो रेगुलर चावल है मैंने, कोई आपको बासमती चावल का यूज़ नहीं करना है, बेसिकली नॉर्मल चावल का आपको यूज़ करना है। मोटा चावल हो तो बेस्ट है। तो 2 ग्लास मैंने चावल लिया था और आधी ग्लास मैंने ली है यहाँ पे उड़द की दाल। उड़द की दाल को कुछ लोग माश की दाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये धुली हुई दाल मैंने ली थी और ये आधी ग्लास मैंने ली थी, ठीक है। 2 ग्लास चावल और आधी ग्लास दाल। अब ये देखिए, ये है चना दाल, तो ये मैंने ली थी 1/4 ग्लास, यानी कि 1 ग्लास का 1/4 हिस्सा, ठीक है। इतनी मैंने ये चना दाल ली, इससे ना बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा आपका डोसा। और ये लिए मैंने 1 चम्मच मेथी, इसे डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फर्मेंटेशन भी होता है और आपके जो डोसे का कलर होता है ना ब्राउन, वो इसी से आता है। तो ये भी डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो भिगाते समय वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ की ना लाइट चली गई थी, इसलिए मैं आपको ये भीगे हुए बता रही हूँ, मतलब ये भीग चुके हैं। ओवरनाइट इसे हमें भिगाना है, मतलब रात में। अब देखिए वो सब चीज़ें तो हमारी भीगी हुई हैं, इसमें पोहा डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1/4 ग्लास, यानी कि ग्लास का 1/4 ही हिस्सा हमको डालना है पोहा। तो पोहा हमें रात भर भिगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी 5 मिनट के लिए इसको हम भिगा देंगे। इन सबको हमें पीसना है, ठीक है। तो पीसना ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग पीसना है, क्योंकि जो दाल होती है ना उसको पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं क्या करूँगी ना, सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसे पीसूँगी। जब भी आप पीसेंगे तो इसको पल्स पे पीसना है, यानी कि थोड़ा रोक रोक के पीसना है, ताकि आपकी मिक्सी भी ख़राब ना हो और आपका जो मटेरियल है बहुत अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इसे पीसा है, और जिस भी बर्तन में इसको हमें डालना है इतनी जगह रखनी है कि इसका आधा हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के बाद, फूलने के बाद ना ये जस्ट डबल हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको अभी गाढ़ा ही पीसा है, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत होगा इसमें हम बाद में पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही पानी ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और अब मैं ना इसको दिन भर के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे रात में डोसे बनाने हैं और ये सुबह का 9 बज रहा है। इसको मैंने पीस लिया है और अब मैं इसको 5 या 6 या 7 बजे तक इसको खोलूँगी। जितना देर तक इसे आप रखेंगे उतना अच्छा है, और बार बार खोल के बिल्कुल भी ना देखें। वाओ, देख रहे हो जितना मैंने भिगाया था, सॉरी रखा था, उससे जस्ट डबल है। और इसकी आप जालियाँ देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है। अगर आप इस तरीके से अपना डोसा बैटर बनाओगे ना, 100% बोल रही हूँ कि आपके डोसे ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए क्या टेक्सचर है ना, देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर। तो कैसा लगा ये डोसा बैटर आपको, अच्छा बना है ना। तो चलिए अब बना लेते हैं डोसा। तो यहाँ पे मैंने जब डोसा बनाए थे ना, तो पूरी फैमिली के लिए बनाए थे, और अब ना इससे मैं डोसा बनाऊंगी। तो डोसा तो अब डोसा तो नॉर्मल ही है, बस आपको इसको अच्छे से गोल गोल करके फैलाना है। ये देखिए, आप लोग लोहे के तवे में भी डोसा बना सकते हो, लेकिन उसको पहले आपको नॉनस्टिक की तरह बनाना होगा। और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी किसी दिन, आप मुझे कमेंट में बताना आपको चाहिए वो चीज़, तो मुझे बताइएगा। दूसरी बात है कि जिस भी तवे पे आप डोसा बनाओ उस पर रोटी मत बनाओ, नहीं तो आपका डोसा बनेगा ही नहीं। यानी कि आप लोहे के तवे पे भी अगर डोसा बनाना चाहते हो तो आपको अलग से तवा ख़रीदना होगा। वैसे बेटर है कि आप नॉनस्टिक ले लो, कोई झंझट उसमें रहता नहीं है। तो देखिए डोसा बन के हो गया है रेडी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।